बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हम सब, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 2015 का पेपर, जो कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुका है एक दफ़ा, ठीक है, 2015 का। तो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं कि कायदे जो हमारे पास फर्स्ट MCQ है वो क्या है जी। कायदे आज़म सोलर पावर पार्क इज़ बींग कंस्ट्रक्टेड इन, कि कायदे आज़म जो सोलर पार्क है वो किस जगह पे बन रही है, ये 2015 की नस्बत से पूछा जा रहा है। अभी तो बन चुकी है ना, तो किस जगह पे है ये, ये हमारे पास आती है जी भावलपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर है भावलपुर, ये सी ऑप्शन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जी, पाकिस्तान इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान कौन से नंबर पे है दुनिया में। तो इसका आंसर है 5th नंबर, पार्ट सी, ये चीज़ ठीक हो गया। और इधर से एक और भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि पाकिस्तान दुनिया में, मतलब के मुस्लिम ममालिक में कौन से नंबर पे, ये तो वैसे पॉपुलेशन के लिहाज से 5वें नंबर पे आ रहा है ना, और वैसे मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान कौन से नंबर पे है। तो पाकिस्तान अगर मुस्लिम ममालिक में देखा जाए पॉपुलेशन के लिहाज से, तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, और इसकी आबादी है 227 मिलियन, ठीक हो गया। पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 227 मिलियन। एक MCQ ये भी आपके पास आ सकता है, और एक ये भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कि अगर सेकंड पाकिस्तान है तो फिर पहले नंबर पे कौन सी है। पहले नंबर पे है इंडोनेशिया, और उसकी आबादी है 231 मिलियन, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पे आते हैं जी, विच कंट्री इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, अफगानिस्तान। उसके बाद पार्ट फोर पे आते हैं, मोहम्मद खान अचकज़ई इज़ द गवर्नर ऑफ, के मोहम्मद खान अचकज़ई गवर्नर हैं किस जगह के। नीचे ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो आंसर है आपके पास है वो है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के गवर्नर हैं ये। उसके बाद आते हैं पार्ट फाइव पे, पाकिस्तान हैज़ जॉइंट विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लास्टली, कि लास्टली पाकिस्तान ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। बेसिकली इसका जो 2015 के नस्बत से देखा जाए तो इसका आंसर ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर अभी क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसका आंसर आपके पास होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिसेंटली पाकिस्तान ने WTO को ज्वाइन किया। उसके बाद आता है हमारे पास, ग्वादर पोर्ट इज़ बींग बिल्ट विद द कोलेबोरेशन ऑफ ईरान, रशिया, टर्की, चाइना। तो इसका आंसर है आपके पास चाइना, ये चीज़। उसके बाद क्वेश्चन सेवन पे आते हैं, इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका आंसर आपके पास है थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास हाइड्रो पावर, ये चीज़, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, एरिया वाइज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एरिया वाइज सबसे जो लार्जेस्ट प्रोविंस है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान ने जो एरिया कवर किया हुआ है वो है 42%, और बाकी 58% बाकी सब के हिस्से में आता है, ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि बलूचिस्तान ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 42%। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस इन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने अपने लॉ की जो प्रैक्टिस की थी वो किस जगह पर की थी। तो इसका जो आंसर है वो है बम्बई, पार्ट बी, ये। क्वेश्चन नंबर टेन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना वाज स्वॉर्न इन एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है 14th अगस्त 1947, पार्ट ए, ये। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन दिल्ली, ढाका, लाहौर, अलाहाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906, और नीचे आपके पास ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ढाका, पार्ट बी, ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी रीजनल ऑफिसेज। तो पंजाब पुलिस के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो हैं हमारे पास 9। रीजनल ऑफिसेज मीन के जिस तरह गुजरांवाले में एक पुलिस का डिपार्टमेंट है, लाहौर में है, उसके बाद KPK में है, बलूचिस्तान में है, इस तरह से। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 12th, ये अपना जो 12th नंबर है हमारे पास, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ कि आपने इसको सर्च करके
कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि ये वाकई 9 ही है या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पे मैं ज़रा श्योर नहीं हूँ, तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, बाकी मेरे लिहाज से ये 9 ही है। उसके बाद हम आते हैं कि जुवेनाइल प्रिजनर्स आर अंडर द एज ऑफ, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है 18 पार्ट डी, ये चीज़। उसके बाद आते हैं हम जी 14th एमसीक्यू, उसके द टेम्पररी और परमानेंट रिलीज ऑफ प्रिजनर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ सेंटेंस और एन अकाउंट ऑफ गुड बिहेवियर इज कॉल्ड। सारी स्टेटमेंट पढ़ें आप, इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपकी मतलब के मतलब जब आप कैद होते हैं, आपकी कैद पे जो सेंटेंस वहाँ पे लिखा गया, जो आपकी FIR कटी है उसके ऊपर अभी आपकी डेट है, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से आपको वहाँ पे छोड़ा जा रहा है, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, मतलब कि आपकी जो डेट उस जो आपकी उस गिरफ्तारी की डेट थी वो अभी ज़्यादा है, लेकिन आपको आपके बिहेवियर की वजह से वहाँ पे छोड़ा जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे पैरोल, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि खुजदार एंड कला डिस्ट्रिक्ट और इन, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किस जगह से हैं, बलूचिस्तान से, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, बलूचिस्तान पार्ट सी। उसके बाद आते हैं 16 पे, पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची वाज फाउंडेड विद द कॉरपोरेशन ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास रशिया, रशिया के कॉरपोरेशन के साथ ये बनी थी। क्वेश्चन नंबर 17, द इलाइट फोर्स पंजाब वाज फॉर्म्ड इन, कि पंजाब में इलाइट फोर्स कब बनी थी, तो इसका आंसर है 1998 ये पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 18, हु सक्सीडेड कायदे आजम मोहम्मद अली जिना एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आपके पास आंसर है लियाकत अली खान, मोहम्मद अली बोगरा, इस्कंदर मिर्ज़ा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तो इसका आपके पास आंसर आएगा पार्ट ए, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर अब्दुल सलाम वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर पाकिस्तान इन द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स, पाकिस्तान के लिए पहला जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था किस सब्जेक्ट में था, फिज़िक्स में। उसके बाद आते हैं जी दलवारी पास कनेक्ट्स पिशावर विद, किसके साथ ये कनेक्ट हो रही है, सवात, हंजा, गिलगित, चित्राल, तो इसका आंसर है हमारे पास पार्ट ए, चित्राल। नीलम वैली इज़ इन, नीलम वैली कहाँ है, तो सवात, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, हंजा, तो इसका आंसर है आज़ाद कश्मीर पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर रजा रब्बानी इज़ लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असम्बली चेयरमैन सेनेट, ये मिस्टर रजा रब्बानी वो चेयरमैन सेनेट हैं या अपोजिशन के मेंबर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली की या स्पीकर सिंध असम्बली, तो इसका आंसर है चेयरमैन सेनेट, ठीक है, सेनेट के चेयरमैन है, 22 का पार्ट बी। उसके बाद आता है हमारे पास एशियाना एयरलाइन, आसियाना एयरलाइन इज़ द एयरलाइन ऑफ इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया या ग्रीस, ठीक है। 23 का हमारे पास आंसर आता है साउथ कोरिया, एशियाना एयरलाइन जो है वो साउथ कोरिया की है। उसके बाद आता है बिग एप्पल इज़ द निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क, 24 का पार्ट हमारे पास है सी, न्यूयॉर्क। कैपिटल ऑफ यमन, यमन का जो कैपिटल है वो है हमारे पास सना, ठीक है, ये पहला ही पार्ट है। उसके बाद 26 पे आते हैं कि बशर अल असद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, सीरिया, यमन, लबनान, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास सीरिया, ये चीज़। 27 पे द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज CIA, ISI, MI-16 या इंटरपोल, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है पार्ट डी, इंटरपोल। 28 पे आते हैं द फेमस फुटबॉल प्लेयर लॉयनल मेसी बिलोंग्स टू स्पेन, इटली, अर्जेंटीना या यूरोगॉय, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है जी पार्ट सी, अर्जेंटीना। 29 पे आते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट, तो ये नीचे आपके पास ऑप्शन है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो किस जगह पे है, 29 का पार्ट सी आंसर है, ठीक है, द हेग,
इस जगह पे इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो ह्यूमन डे जो मतलब मनाया जाता है वो किस दिन है, जो उसकी डेट है 10th दिसंबर। MI5 इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, तो इसका आंसर है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। तकसीम स्क्वायर इज द कैरो, इस्तांबुल, दमास्कस या बेरूत, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास पार्ट बी इस्तांबुल। तकसीम स्क्वायर इज इन इस्तांबुल। एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है इलीगल, पार्ट सी। अल जजीरा टीवी चैनल बिलोंग्स टू, अल जजीरा टीवी चैनल जो कि बिलोंग करता है कहाँ से, कतर से। नेटो इज एन एलियंस, रीजनल, पॉलिटिकल, मिलिट्री या इकोनॉमिक, तो इसका आंसर है हमारे पास मिलिट्री, पार्ट सी। द यूएन वाज फाउंडेड इन, तो इसका आंसर है 1945। द सिस्टम ऑफ जेल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो जेल का सिस्टम था वो किन कौन से सहाबी थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, 37, पार्ट सी। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर, कंप्यूटर बिजनेस के लिए फेमस है या स्टील इंडस्ट्री के लिए या गोल्ड माइंस के लिए या कॉटन इंडस्ट्री के लिए, तो इसका आंसर है कंप्यूटर बिजनेस। ठीक है, एक ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ 38 वाला, ये भी आप सर्च करके जो इसका क्लियर आंसर हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइनेंशली मोटिवेटेड क्राइम्स कमिटेड बाय बिजनेस नॉन वायलेंट क्राइम्स एंड गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड, पर्सनल क्राइम, उसके बाद स्टेटरी क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम, तो इसका आंसर भी यही है हमारे पास वाइट कॉलर क्राइम्स, कि आपके पास फाइनेंशली बैकग्राउंड भी आपको मतलब मोटिवेट किया जा रहा है या आप कोई किसी ओहदे पे हैं तो आप कोई क्राइम करते हैं तो उसको हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। 40 पे आते हैं, द मेन रोल ऑफ पुलिस इन सोसाइटी इज टू, तो इसका आंसर है हमारे पास 40 का प्रिजर्व ऑर्डर, तो ये तीनों ही आ जाएंगे तो इसको हम कह देंगे ऑल ऑफ दीज, या इनमें से कोई एक आए तो आप वो भी कर सकते हैं अगर ये बाकी ना हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रशियन एयरलाइन, इनमें से रशियन एयरलाइन कौन सी है, तो इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है एरोफ्लॉट, पहला ही। उसके बाद आते हैं 42 पे, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है बैटरी, बैटरी कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद आते हैं 43 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में है, तो इसका आंसर है सिल्वर में। उसके बाद आते हैं हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसका आंसर है हमारे पास ब्लड, ब्लड की ये स्टडी करती है, मींस के वाइट ब्लड सेल भी आप इसको कह सकते हैं, हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। 44 सी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर, इनमें से प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है, इसका आंसर है हमारे पास ग्रीन, ग्रीन इज नॉट अ प्राइमरी कलर, पार्ट बी। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ, सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, पार्ट डी, 46 पार्ट डी। 47 पे आते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, तो इसका फर्स्ट या फाइबर, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वाइट ब्लड सेल, आई थिंक 48 का हमारे पास आ जाएगा वाइट ब्लड सेल, या आप इम्यून सिस्टम भी आपके पास एक ऑप्शन आ सकती है, या वो होगा तो यहाँ वाइट ब्लड सेल, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं जी, विच गैस इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग लाइट, कौन सी गैस है जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होती है, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर हमारे पास है नियॉन, नियॉन गैस। Who is the founder of social media network Facebook? तो ये इसका आंसर है मार्क जकरबर्ग। The minimum number of rows and columns in MS Word document is 1/1, first वाले। 52 पे आते हैं, What is the smallest font size available in the font size tool on formatting toolbar? तो इसका आंसर हमारे पास है 8. 52, 8, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं कि What is the largest size of available इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार,
तो ये 8 से चलता है हमारे पास 72 तक, ठीक है। मिनिमम जो हमारे पास आएगा वो है 8 और जो लार्जेस्ट है वो है 72, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद आते हैं कि सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सिलेक्टिंग अ वर्ड एन इंटायर सेंटेंस होल डॉक्यूमेंट नन ऑफ दीज। कि सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो वर्ड को मतलब कि सिलेक्ट करता है या इंटायर सेंटेंस को सिलेक्ट करता है होल डॉक्यूमेंट, तो ये होता तो सारा टेक्स्ट ही है ना। तो इधर उन्होंने नन ऑफ दीज लिखा है, तो इधर होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या एनी ऑफ दीज, या इनमें से अगर कोई आप भी एक से एक भी सिलेक्ट कर दें वो भी सही होगा, या ऑल ऑफ दीज करेंगे तब भी सही होगा, ठीक है। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। तो सिंपली इसका ये है कि जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 55 का बी पार्ट। उसके बाद 56 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसर। तो सिंपल ये क्लिप आर्ट। 57 पे आते हैं द मोस्ट वाइडली यूज इंटरनेट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है गूगल, ठीक है, गूगल सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला इंजन है। 57 बी पार्ट। एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज, तो साइबर क्राइम, ठीक है, जो इंटरनेट के साथ इंटरलिंक हो या कंप्यूटर के साथ, तो वो साइबर क्राइम में गिना जाता है। 58 बी पार्ट। 59 पे आते हैं, अभी इंग्लिश के यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, कि इट इज़ 10 o'clock माई वॉच। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के 10 बज चुके हैं। ही एग्रीड डैश माई प्रपोजल टू विद फॉर ऑन। तो इसके लिए क्या आएगा आपके पास, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, ही एग्री टू माई प्रपोजल, टू ही आ जाएगा। द हॉर्स मैन पुल्ड द डैश ऑफ द हॉर्स, पुल्ड द रेन्स ऑफ द हॉर्स, तो मतलब वो जो हॉर्स मैन है उसने उसकी गुलामे खींची, तो रेन्स कहते हैं गुलामों को, वो जो उसने गुलामे लगाई होती हैं घोड़े को पकड़ने के लिए, तो उसके यहाँ से आप देखें कि रेन्स का स्पेलिंग कौन से, REINS की वाला पार्ट सी रेन्स, ठीक है, 61 पार्ट सी। 62 पे आते हैं द ओल्ड मैन इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, द ओल्ड मैन इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई विद वन आई फ्रॉम वन आई इन वन आई, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड इन वन आई। अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक, फ्लॉक भी ग्रुप को ही कहते हैं। उसके बाद ऑपोजिट ऑफ कंट्रैक्ट इज, कंट्रैक्ट का ऑपोजिट आपके पास क्या आएगा, ऑपोजिट ऑफ कंट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट अट्रैक्ट इंक्रीज्ड एक्सपैंड, या आप एक्सपैंड भी लिख सकते हैं या इंक्रीज भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का मायने एक ही है, दोनों इसके ऑपोजिट हैं। एमिनेंट मीन्स एम्बिटुअस क्लेवर फेमस हार्ड वर्किंग। एमिनेंट का मतलब क्या है भाई, तो इसका आंसर है हमारे पास पार्ट सी फेमस मशहूर। सब जूडिस मीन्स, सब जूडिस मीन्स का क्या मतलब, तो इसका आंसर है हमारे पास अंडर जूडिकल कंडीशंस। 67 पे आते हैं प्रॉस एंड क्रॉस मीन्स, तो इसका प्रॉस का मतलब एडवांटेजेस, क्रॉस कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस, पार्ट भी आ जाएगा हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्विकली, क्विकली हमारे पास क्या है, वर्ब एडवर्ब नाउन एडजेक्टिव्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ गया है, तो इसका आंसर हमारे पास एडवर्ब, जब भी किसी वर्ड के बाद एल वाई आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है एडवर्ब। ब्यूटीफुल इज़, ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है अभी इस जगह पे, 69 का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है पार्ट डी ब्यूटीफुल, क्योंकि किसी उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो एडजेक्टिव आएगा हमारे पास। द अपोजिट ऑफ डिटीरियोरेट इज़ डिक्लाइन इम्प्रूव डिसग्रेस या गो डाउन, इसका आंसर है हमारे पास इम्प्रूव, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से आपने स्पेलिंग करेक्ट बताने हैं कि जो सही मतलब कि स्पेलिंग है वो कौन से हैं। गवर्नमेंट के आपने बताने हैं GOVEN, ये तो पहले ही गलत हो गया, गवर्नमेंट ये भी गलत, गवर्नमेंट ये भी गलत, GOVERNMENT, तो हमारे पास ये पार्ट डी आ जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बिस्किट, BISCUT गलत, BESCUIT ये भी गलत, तो इसका हमारे पास 72 का आंसर है BISCUIT आखिरी, तो ये पार्ट सी आ जाएगा BISCUIT।
परमानेंट के हमारे क्या स्पेलिंग है, PAR पहला गलत, PERMANT ये सही लग रहा है, बाकी भी गलत है। तो 73 का हमारे पास क्या आंसर है, पार्ट पी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 74, 74 पे आते हैं जी, रिलीजन 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 या रिलीजन, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग देखें कि सबसे अच्छे स्पेलिंग किस जगह पे लिखे हैं, पार्ट ए में RELIGION, तो यही सही लग रहे हैं, रिलीजन, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेम्प्ररी, पार्ट सी में आ रहे हैं, TEMPORARY, टेम्प्ररी, ठीक है। 75 का पार्ट सी आंसर आ गया हमारे पास। अब कुछ मैथ के यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं कि 80 का 75% क्या होगा हमारे पास, इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 24, 32, इसका आंसर हमारे पास 24, ठीक है। तो किसी वीडियो में मैं आपको ये सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, ताकि अगर कोई और भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो वो भी आप कर सकें। इन अ क्लास ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% विश टू गो टू द कॉलेज, हाउ मैनी विश टू अटेंड कॉलेज। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी कि अगर आपके पास 550 की स्टूडेंट की क्लास है, 42% जो कि कॉलेज गए हैं, तो कितने बच्चों ने जो कॉलेज अटेंड किया वो कितने होंगे, तो 231, ठीक है। व्हेन यू डिवाइड 0.7 by 10 यू गेट, जब आप 0.7 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आंसर आपके पास होगा ये 0.07, ठीक है। कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास ये आंसर आ जाएगा, 78 का पार्ट बी। अ टॉय इज सोल्ड फॉर ₹220, व्हाट वाज द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ द प्रॉफिट वाज 10% ऑफ द कॉस्ट। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास प्रॉफिट 10% है तो आपकी एक चीज 220 में बिकी है, तो उसका जो मतलब के एग्जैक्ट उसका रेट था वो क्या था, फाइनल उसका जो रेट था वो क्या था, 196, 198, उसकी प्रॉफिट निकाल के, तो उसका आंसर है आपके पास 198, ठीक है। ये चीज़, इफ़ 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 8 मैन टू डू दिस जॉब इफ़ दे वर्क एट द सेम टाइम। अगर आपके पास, उन्होंने कहा है कि 10 आदमी हैं वो एक काम करते हैं 20 दिनों में, तो वही काम 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है 25 days। अब ये किस तरह, ये आपको किसी दिन किसी वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगा, अभी सिर्फ हम इसके आंसर देख रहे हैं। अ बैग कंटेन्स 9 kg ऑफ शुगर विच इज सेपरेटेड इनटू पैकेजेस कंटेनिंग 450 grams ईच, हाउ मैनी सच पैकेजेस कैन बी मेड। आपके पास 9 किलोग्राम के आपके पास शुगर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि विच इज सेपरेटेड इनटू पैकेजेस, जो कि पैकेजेस में सेपरेटेड हैं 450 grams में, कि उन्होंने कहा कि कितने पैकेट बनेंगे, ठीक है। 450 grams के आपके पास अगर पैकेट बनाए तो कितने पैकेट बनेंगे, तो इसको आपने, तो इसका आंसर आपने इस तरह से निकालना है कि 1 kg में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। तो 9 kg 9000 ग्राम, 9000 divided by 450 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर करें 9000 divided by 450 तो आपके पास आंसर क्या आता है, 20, ये आपका आंसर होगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये डायरेक्टली कोटेशन आप लिखें अपने उस पर कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है कि ये देखें, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 बार 6 और 6 जमा 2 8, 8 divided by 3 multiplied by 5 divided by 14, तो 82 का जो आपके पास आंसर आता है 20 divided by 21, लेकिन यहाँ पे कोई भी उस तरह से आंसर नहीं पड़ा, यहाँ पे पड़ा है 21 divided by 20। तो इसको आप खुद सॉल्व करें, अगर आप इनमें से कोई आपके पास सलूशन आता है तो मुझे भी बताएं। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20 divided by 21। उसके बाद आते हैं 83 पे, ये भी आपने उसी तरह ही करना है, पहले इसको सॉल्व करें, 1 divided by 4 plus 5 divided by 8, फिर डिवाइडेड बाय आपने ये वाला, इनको ऐड करके तो दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है आपके पास 7 divided by 10, ये चीज़, ठीक है। खुद भी वैसे आप ट्राई करें, 5 divided by 16
और उसके बाद डिवाइडेड बाय 5/9, तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए? 3/2, 3/2 ये। उसके बाद 5/6 × 2/5, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 1/3, ये चीज़। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही देखेंगे, बाकी ये जो इस्लामियात के क्वेश्चन हैं किसी एक वीडियो में, इनके सारे सिर्फ इसी की वीडियो बनाएंगे, 2-3 ये मिला के ना क्वेश्चन पेपर, तो उनमें से ये सारे एक्सट्रैक्ट करके ये सारा एक ही PDF में बना के, तो इन सब के सोल्यूशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई इशू हो आपके, ये जो भी हमने अभी सॉल्व किए आपके सामने, तो वो आप लाजमी बताइएगा। अगर कोई आपको इनमें से लग रहा हो कि इसका आंसर किसी का गलत है, तो वो भी बताइएगा। 2-3 तो मैंने आपको बताए हैं कि वो आपने देख के लाजमी बताने हैं, तो बाकी इंशाल्लाह सारे सही हैं, और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अब किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आई हो, तो लाजमी बताइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।